जो होना है हो जाने दो, पहले तुम कूद जाओ। क्या सोच रहे हो तुम? बहुत गहरा होगा, तैरना आता है तो भी मैक्सिमम हाफ एन आवर। थोड़ी देर रुक गए तो क्या? एक्चुअली टाइम रॉन्ग। ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो नाइट में प्लान करो, मॉर्निंग में नहीं। ठीक है, इतनी दूर आ गए हो तो कूद जाओ। सी, ऐसा काम करना है तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, लेट करोगे तो माइंड खराब हो जाएगा। सो सुनो, तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारी हेल्प। ठीक है, फिर दारू पियोगे, कॉन्फिडेंट आएगा। मेरी मानो तो इतनी पी लेना कि नहीं भी कूदोगे तो ऑटोमेटिकली गिर जाओ। ऐसे गिर गए तो चांस ही नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, यू कैरी ऑन कैरी ऑन। हमको जो काम करना पसंद नहीं है उसकी एक टेक्निक है, आंखें बंद करके करोगे तो करने के बाद खुद हमको भी पता नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं होगा, तुमको जो बताना है वो बताओ। मैं हर बार कूदने के लिए जाता हूँ और तुम मुझे रोक देती हो। अब तुम बताओ, फिर मैं अपना काम करूंगा। सूर्या सर, सर हाय सर, ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। अरे तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अब डायमंड तुम्हें दिया है तो तुम उसे नेकलेस में यूज करो या फिर पेपरवेट बना के यूज करो, ये तुम्हारे हाथ में। अरे मैंने थोड़ा सा कंसीडर क्या कर लिया, सर तो बहुत ज्यादा डायलॉग मार रहे हैं। पापा, डोनेशन प्लीज। Hmm?
अनन्या कस्टमर को डिस्टर्ब मत करना। ओके। गुड मॉर्निंग। हे तुम हीरो हो ना? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा है। कहाँ? फिल्मों में। ऐसा क्या? उस फिल्म में किसी और लड़की के साथ थे ना? ये लड़की कौन है? वो फिल्म थी इसलिए वो लड़की, ये लाइफ है इसलिए ये लड़की। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट हाँ? फिल्म में मैं हीरो, रियल लाइफ में तुम हीरो। थैंक यू, बाय बाय बाय। चलो चलते हैं। कहाँ? प्रीव्यू देखने के लिए। चलो। मुझे एक छोटा सा डाउट है। सिनेमा प्रीव्यू बोल रही हो, ऑटोग्राफ के बारे में बोल रही हो, वैसे वो करता क्या है? वो दो मूवीज में हीरो रह चुका है। दो मूवीज में हीरो था क्या? सिनेमा हीरो। कैसा लगा? क्या? वही, मेरा प्रीव्यू देख के आ रही हो ना, तो फिर मेरी मूवी कैसी लगी? ओके। लेकिन लव स्टोरी में क्या होता है, एक लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके लव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर लास्ट में सब सॉल्व हो जाता है, सब कुछ रूटीन है। मुझे ये लव स्टोरी पसंद ही नहीं है, हर बार एक ही स्टोरी, कैसे कर लेते हैं ये सब। कैसा लग रहा है? क्या? कुछ सुनाई दे रहा है? लबडब लबडब हार्ट बीट साउंड। इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। We are in deep love. यहाँ सिर्फ मैं और तुम है। फील तो पता चल ही रही होगी ना? क्या पता चल रहा है? पसीना। पसीना? बहुत दौड़े हो ना, इसलिए पसीना आ गया होगा। ओके, तुम फील करो। हाँ, बाय। हे, मेरी फीलिंग नहीं पता चली क्या? अरे अरे, कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, बहुत सारे काम वाले होंगे। वाह रे, कितना खूबसूरत घर है ये। ये इसका ही घर है ना? कहीं मैं किसी और के घर तो नहीं आ गया? हे, कैसा है भाई? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन इस घर का किराया कितना है? किराया क्या यार, ये घर मेरा है। मुझे हर्ट हुआ। क्यों यार? और नहीं तो क्या, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। ठीक है, घर हमारा ही है। हाँ, लेकिन इस घर में कितने लोग रहते हैं? मैं, तीन काम करने वाले और चौथा तू है। वो ठीक है, ये टी शर्ट में कौन है? हम दोनों दोस्त हैं, ये बात सबको पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैं इस टी शर्ट को पहन कर आया हूँ। सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी पहना है। और कहाँ है? अबे बनियाइन पहनी है। चल ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ। हाँ। तू आराम करो। बाय। ठीक है, तू जा, मैं तो बैठूंगा। ये सब अब हमारा है। मे आई नो हु आर यू? ये उसका घर है, उसने मुझे ऐसा बोला। हे, ये मेरा मैनेजर है यार। मतलब तेरे लिए काम करता है ये? हाँ हाँ ठीक है। तो पहले बोलना था ना, ले पकड़ी सर। तू बदलेगा नहीं ना? कभी नहीं बदलूंगा। शर्मा जी। सर। आज का शेड्यूल क्या है? 9 o'clock डबिंग, 10 o'clock स्टोरी डिस्कशन, 11 o'clock प्रोड्यूसर से मीटिंग। ओके, तो एंजॉय कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ, उसका लिख लिया ना, अब मेरा लिख जल्दी से। बोलिए सर। 3 इडली, 4 मस्त डोसा, थोड़ा ज्यादा चटनी, भर के उपमा। सांभर नहीं चाहिए क्या? एक काम कर, सांभर तू खा ले। सिर्फ उसकी डेट्स ही नहीं, मेरा हफ्ता और महीना भी तुमको देखना है, समझ गया ना? मैं आता हूँ सर। वो पेपर लेकर जाओ। Thank you.
क्या? अभी तक सो रही हो? इतने पास आ गए हो, समझ में नहीं आता क्या? क्या समझ में नहीं आता? फिर छूकर देख लो। बॉडी इतनी गर्म है, फीवर है क्या? इसलिए तो अभी तक सो रही हूँ ना। क्या हुआ? बैक टू फॉर्म? कल जाना था लोकेशन के लिए, पॉसिबल नहीं हो पाया। ब्रेक मिल गया ना, दो दिन और एक्सटेंड कर लो। ट्रिप के लिए जाना है, क्या बोलती हो? ट्रिप पर जाना कंफर्म है, लोकेशंस के लिए वो भी सिंगल। सिंगल? कितने दिनों तक यह काम करोगी? कोई अच्छी कहानी लिखो और डायरेक्टर बन जाओ। मैं थ्रिलर लिखती हूँ, उसके लिए तुम अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मेरा क्या है? लव सब्जेक्ट है क्या? ये क्या है यार? लोकेशन देख के वापस कब आओगी? 3 days। सर 3 सीन्स अभी भी बैलेंस है। कौन सा सीन है?
ये तीन सीन। ओके, वो रेडी है ना? यस सर। ठीक है, रेडी? ओके सर। ओके, सी फुल टाइम लव, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ उसके साथ टेस्ट। वन मोर प्लीज। ओके, सी फुल टाइम लव, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसके साथ टेस्ट। वन मोर प्लीज। सी फुल टाइम लव, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यार क्या हो रहा है ये? इट्स नॉट हैपनिंग यार। इसे कल करें क्या? सर कल कितने बजे? एक काम करते हैं, तीन दिन के बाद करते हैं। सर ये तीन सीन्स अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा काम भी खत्म हो जाएगा सर। इसकी बकवास सुनने के लिए मैंने तीन दिन बोला है क्या? मेरा मूड नहीं बन रहा है यार। सर क्या रे, तू दारू पीता है? नहीं सर। क्यों? मैंने जिंदगी में कभी भी दारू नहीं पी है सर, पर मेरा बाप बहुत दारू पीता था सर। ओ, तो दारू में थम्सअप क्यों डाला तूने? नहीं डाला सर। तेरे को क्या लगता है मैंने कभी दारू नहीं पी? दारू एकदम प्योर है सर। तो पर पी के बता। सर इसमें आपने कुछ मिला रखा है। पता है मुझे, तू बहुत चालू आदमी है। ए, जो दारू पीते हैं सिर्फ वही खाते हैं। इसका मतलब मुझे दारू पीनी पड़ेगी सर। वहाँ देखिए। ए नीचे आ। इससे पहले निकल लेता हूँ यहाँ से। हे, मूड नहीं है यार। अबे आना, अबे जल्दी आना। ये ले पी ले। ये क्या था यार? तूने नीट पी है ना, ऐसा ही होगा तेरे को। रॉ है क्या? वो सब छोड़, ये बता तेरा मैटर क्या है। ये ले। अब मेरे को पता ये अवनी कौन है। वो अवनी यार। मुझे ये बता, ये अवनी है कौन? अवनी मेरी जान है। अरे बाप रे, तो क्या उसके लिए मंदिर बनाएगा? हे बकवास मत कर। सॉरी सॉरी, तू बोल बोल। अवनी मेरी जान है यार। वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं उसे? उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसका सिर, उसे देखते ही नशा छा जाता है। सच कहूं तो यार, उसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता। सच कहूं, तेरे अंदर सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक राइटर भी छुपा हुआ है यार। तारीफ करने के लिए राइटर होना जरूरी है क्या? बस लड़की मिलनी चाहिए। देख यार, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो, ये बात सबको पता चल चुकी है। क्या यार, दारू खत्म हो गई क्या? अरे बाप रे, दारू पूरे खत्म हो गए, लेकर आते हैं। हाँ दे अपना, आराम से चल। थैंक यू। चल अपन दोनों दोस्त। अपन कुछ भी बोलो भाई, पार्टी जबरदस्त है कि नहीं? मैं तो आज जी भर के पीऊंगा और तब तक पीऊंगा जब तक मैं पोल टल्ली ना हो जाऊं। दारू तो आ गई, अब नहीं कहाँ है यार? कल वो आएगी, लेकिन कहाँ पे आएगी? कल अवनी का बर्थडे है, सो कंपलसरी वो मंदिर जाएगी। तो चॉकलेट देगा उसको? भाई आप हीरो हो ना, एक बार डांस करके दिखाओ ना।
मूड नहीं है भाई। क्या हुआ भाई? लड़की का मैटर है यार, फुल टेंशन। थोड़ा डिटेल में बताओ ना। तू शुरू कर यार, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ए चल उठ के काम कर। मालिक सब क्लीन कर दूंगा, सब हटा दूंगा, सब साफ कर दूंगा। तू और तेरी ये एक्टिंग। मतलब फ्लैशबैक याद आ गया मेरे को। ए तू कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा है? एक छोटा सा काम है, मैं जा रहा हूँ अभी। अब मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। आज जाके बोल दे यार उसको। बताना यार कैसे बोलूं उसे। कैसे बोलना है मैं दिखाता हूं। देख एक्सक्यूज मी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई लव यू। हो गया। जाना जाना जल्दी जा। तुमसे एक बात बोलनी है यार। वो क्या है कि अवनी। हाँ कम ऑन। वन मिनट सूर्या। ठीक है। ये कहां से आ गया बीच में? लेट हो रहा है, चले क्या? भैया सूर्या। ओ सूर्या कम यार। मुझे बुला रहे हैं क्या? ठीक है आ रहा हूं। आप लोग बातें कीजिए, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। बाद में मिलते हैं। हाँ। चलो चलो सूर्या। हाँ? प्रसाद ये कौन है? ओह सूर्या सर को तो मैं पहले से ही जानता हूँ ना। ओह ऐसी पता है तो बताओ क्या करना है सूर्या। हाँ? अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपने अवनी की शादी प्रसाद से करवाने की सोच रहा हूँ। सर आपकी फिल्म में बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके लड़की को प्रपोज करते हैं ना, वो टेक्निक्स मुझे भी सिखा दो ना सर। टेक्निक तुमको सीखना है क्या? चलो बता दो। तुम रुको प्रसाद। वो क्या है ना सूर्या, तुम्हारी फिल्मों में वो लड़की को प्रपोज करने वाली टेक्निक होती है ना, उसने भी वही बोला है। वो हमारे प्रसाद को भी थोड़ा सिखा दो। जरूर जरूर। सर अवनी, अवनी जी आ रही हैं। हो गया ना, अब चले क्या? ओके बाय। बाय प्रसाद, चलो चलते हैं। आप लवर्स की प्रॉब्लम को क्या समझेंगे, चलिए। तुम हैप्पी हो ना? बहुत हैप्पी हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपनी अवनी की शादी प्रसाद से करवाने की सोच रहा हूँ। सो प्रसाद, हाउ इज योर बिजनेस? सुना है कोई नया बिजनेस शुरू किया तुमने? आपको तो सब पता है ना। प्रसाद जी, आप ये देखना बंद करें तो आपके काम के बारे में कुछ बात करें। आपके साथ क्या बात करना, मुझे तो आपकी बहन अवनी के साथ दिल खोलकर बात करनी है। बात कर लीजिए आप। नाइस कलर, वेरी क्यूट। किसकी बात कर रहे हो? मेरी फीलिंग आपको समझ में नहीं आई क्या? ये आपकी साड़ी का कलर बहुत अच्छा है। ओह, ये मेरे भैया का कलेक्शन है। आप बहुत फ्रेंकली बातें करती हैं ना। कुछ बातों में नहीं, आप हर बात में हो। मैं तो किसी भी बात में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं पाता हूँ। कुछ भी स्टार्ट किया तो डाउट में ही स्टार्ट होता है और डाउट में ही एंड हो जाता है। अवनी जी, आप मेरी बातों से बोर हो रही हैं ना? आप बीटेक की पढ़ाई करके फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करने लगी? पढ़ाई और पैशन का भला क्या रिलेशन? यू हैव अ पॉइंट विद यू। लड़की होकर इतना इंडिविजुअल कैसे हो आप? आपके भाई ने आपके बारे में बताया था। लेकिन आप समथिंग स्पेशल हो।
मेरे भैया ने मेरे बारे में तुम्हें क्यों बताया? शादी से पहले डिटेल्स का पता लगाना तो कॉमन है ना। शादी पर किसकी? सब ठीक रहा तो आपकी और मेरी। व्हाट? मतलब ये शादी के लिए है क्या? आपके भाई ने आपको बताया नहीं क्या? अब तो मेरी जिंदगी डाउट में ही खत्म हो जाएगी। अरे द्वारकेश जरा यहाँ आओ ना। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम अपनी और प्रशांत की शादी कर देंगे। क्या कर रही है? अगर वो नहीं आई तो मेरा क्या होगा यार? ए, कुछ तो बोलना यार। हाँ? चिप्स अच्छे हैं यार। यार वो अभी तक आई क्यों नहीं? तो क्या हुआ? तो उसके घर चले जाना। ए, कहाँ जा रहा है तू? आने के बाद बताऊंगा। बता कर जाना। तुझे बता रहा हूँ ना, इसलिए काम नहीं हो रहा है। चल भाई जा फिर। एक लड़की के लिए तू दोस्त को भी भूल रहा है। हर एक दोस्त जरूरी होता है। देख लूंगा। तुमसे जब मैं पहली बार मिला तो वो सिर्फ मीटिंग नहीं थी, सच कहूं तो उस दिन से तो मुझे अच्छी लगने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे एक अटैचमेंट सा हो गया है। ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहूंगा, आई ट्रूली लव यू। ओके जाओ, तुम हीरोइन को बुला कर लाओ। ओके सर। तुमने शॉट तो अच्छा दिया लेकिन तुम्हारा क्लोजअप शॉट होगा, तुम और भी इंटेंसिटी के साथ बोलो। प्लीज कम। ओके रेडी, रोलिंग, ट्रॉली मूव, एक्शन। ये सीन नंबर 6 के लिए है। जी मैम। ओके ओके, फिर ये कंटिन्यूटी। हाँ। नेक्स्ट सीन नंबर 11 के लिए। जी ठीक है। अवनी, तुम्हारा प्लान क्या है? कुछ नहीं। सूर्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं भैया भाभी के साथ इवनिंग में पब जा रही हूँ, तुम चलोगे क्या? इतना ही क्या? इतना ही। ओके। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। लेट्स सिट देयर। या कम। What do you like to have? Anything? Oh, Avni, tumko? Anything fine. Excuse me. What do you want, sir? One vodka, one Sprite, and two anything. Anything? Ya kuch order bhi karogi? One vodka. One Sprite. Okay, ma'am. Two vodka, two Sprite. Thank you. Yes, sir. Cheers for Avni's birthday. Cheers.
अपनी चलो चलते हैं, कम ऑन। ए सर जल्दी जाओ, 10 इडली लेकर आओ। इडली खत्म हो गई है सर। कुकर का साइज बढ़ा दे यार। कुकर का साइज बड़ा नहीं होगा सर, आप खाना थोड़ा कम कर दो ना सर। मैं कम खाऊंगा, कम खाऊंगा। घर में नौकर ज्यादा हो गए, तुझे हटाना पड़ेगा। सर, 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 और कितनी इडली लेकर आऊं सर? ये बात बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। कॉफी लेकर आ। ठीक है सर। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। बाप रे। अरे क्या हुआ? पहले एक बार खाना बनाता था और 3 लोग खाते थे ना, अभी 3 बार बना चुका हूँ और वही अकेले खा रहा है। जाओ कॉफी बना कर दो उसे। कॉफी? ये और इसका खाना। सती। शहर के लोगों का यही प्रॉब्लम है, ना हिंदी बोलते हैं ना हिंदी अखबार मंगवाते हैं। अब ये न्यूज कौन सुनाएगा मुझे? सर कॉफी। क्या रे, कितनी पढ़ाई की है तूने? सर 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। पास है या फेल है? फेल हूँ सर। एक काम कर, चल न्यूज पढ़ के सुना। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? मुझे आती है, तुझे आती कि नहीं वो टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओ अच्छा, विल मोदी कम टू हैदराबाद और नॉट? वो मैं पढ़ चुका हूँ, उसकी हिंदी बता मुझे। मोदी यहाँ पर आएंगे या फिर नहीं? मोदी यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे इससे हमको क्या यार। सनी लियोनी की नेक्स्ट मूवी कब आएगी? हाँ? इलियाना किससे शादी करने वाली है? हाँ? नयनतारा का लवर कौन है? वो सब चाहिए मुझे। ओहो गॉसिप क्या? यस गॉसिप। सूर्या रियल फाइट फॉर हिज लव। ए मेरे दोस्त की खबर यार, क्या लिखा बता? पब में किसी लड़की के लिए उसने झगड़ा किया है। सूर्या ने लड़की के लिए झगड़ा किया क्या? दिखा तो मुझे। ये सब क्या हुआ? मास्टर बीट चेंज। बहुत हैप्पी हूं यार। अबे इसमें कौन सी हैप्पी न्यूज है? अरे और नहीं तो क्या, पता है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे 2 दिन में अपने प्यार का इजहार करने वाला था। वो बात उस लड़की को पूरी दुनिया ने बता दी। बता देगी तो? अरे उसे पता चल जाएगा। क्या करेगा? अर्जेंटली मुझे अपनी से मिलना है। आज का एक्शन और हमारा रिएक्शन। कल जो तुमने किया ना उसका रिजल्ट। अरे तो तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये रूमर्स हैं और कुछ नहीं। आई नो इट्स अ रूमर बट। हाँ इस रूमर को क्यों ना सच बना दिया जाए? व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट जो रूमर है उसको सच बना देते हैं। समझ में नहीं आया। अरे यार आई एम प्रपोजिंग यू डैम इट। या आई गॉट इट बट क्यों प्रपोज कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है? तुमको मेरे बारे में क्या पता है? सब कुछ पता है। That's what I'm asking. क्या पता है? You are a beautiful. Friendly. सबके साथ घुल मिल जाती हो। बिना किसी रिलेशन के तुम मेरा ख्याल रख रही हो तो फिर शादी कर लेते हैं। हाँ और क्या? अरे यही सब है, सिंपल सी बात है ये।
तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, और क्या चाहिए प्रपोज करने के लिए? कंफर्टेबल होने से सब ठीक हो जाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? और भी बहुत कुछ चाहिए। ऐसे कंफर्टेबल होने की वजह से शादी कर ली तो हाँ, उसके साथ सेट नहीं हुए तो अलग हो गए। यस, आई एम मैरिड एंड डिवोर्स्ड। था ये लव स्टोरी कितनी सिंपल वे में जा रही है। अब दिया ना, अच्छा ट्विस्ट दिया तुमने। लेकिन गलत क्या है इसमें? तुम फ्रेंडली मूव कर रही थी लेकिन भैया उसे लव समझ रहे थे। लेकिन तुम्हारा इतना लंबा फ्लैशबैक था, फिर भैया के साथ इतना क्लोज क्यों थी? वो जब मुझे मिला तब टाइम ही ऐसा था। किया गया नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अपार्टमेंट तो यही है, फ्लैट नंबर कौन सा होगा? हाँ, भैया ने लाइट मेरे लिए ही ऑन की होगी। क्या है? गंगा राजू भाई? हाँ? गंगा राजू? नो, रॉन्ग एड्रेस है। ये एड्रेस क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कॉमन सेंस नहीं है क्या? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड हु आर यू? नाउ गो एंड फाइंड द एड्रेस। अब क्या करूं? हे भगवान, ¡Gracias!
आए थे ना? हाँ, वो एड्रेस पता नहीं था तो। ठीक है, मुझे ही सॉरी बोलना चाहिए, बहुत ही खराब मूड में थी। एंड थैंक्स फॉर नॉकिंग। ये थैंक्स क्यों? वो बहुत बड़ी स्टोरी है। विल मीट अप, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग ग्रो। कौन था भाई? ऊपर फ्लैट वाली लड़की थी। ऊपर वाले फ्लैट की लड़की? और नहीं नहीं नहीं, चांस मिस हो गया। क्या हुआ भाई? अरे क्या होगा, ऊपर वाले फ्लैट की लड़की कब आएगी ये सोच सोच कर कितनी रातों से ठीक से सो नहीं पाया हूं मैं। अच्छा बता, वो क्यों आई थी? रात को डिस्टर्ब किया इसलिए थैंक्स बोल रही थी। है? क्या डिस्टर्ब करने के लिए थैंक्स बोला? हाँ। उसने डिस्टर्ब कैसे किया था तूने? एड्रेस पूछने गया था। एड्रेस पूछा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू इस बारे में मुझसे झूठ बोल रहा है? पता नहीं अब वो लड़की कब आएगी। क्या हुआ भाई, आप इतनी देर से नहाए नहीं क्या? अच्छा ये बता, मेरा नाम क्या है? घंटा गंगू राजू भाई। सही ना, हम सोते हुए या खाते हुए सब कुछ घंटे में ही करते हैं, वो हमारा मार्क है इसीलिए। हाँ। फिर मुझे कुछ करने के लिए घंटा वेट करना होगा क्या? अरे बस कुछ दिन ही। वो क्यों भाई? मेरी जॉब बैंगलोर में शिफ्ट हो गई है। लेकिन मेरा क्या होगा? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है भाई। कल तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ना? कल आफ्टरनून तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैडम। ओके ठीक है। भाई एक चाय। हाँ ठीक है मैडम। ठीक है ना? ए हाय। हाय मैडम जी। मेरा नाम अवनी है। बहुत अच्छा है जी। नाम इसलिए बताया ताकि तुम जी बोलना बंद करो। सॉरी जी। फिर से? सॉरी जी। तुम्हें बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो तुमको छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें गोद में नहीं गाड़ी पे ले जा रही हूँ। ठीक है। हाय, लिख लो। उसने डिस्टर्ब किया तो उससे थैंक्स बोला, अब मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। अरे इतने हैंडसम कैसे लग रहे हो तुम, तुम्हें देखकर मुझे खुद जलन हो रही है। उस लड़की का क्या होगा? आज का दिन लड़की के लिए बहुत लकी है, तुझे देखते ही किस कर लेगी। अगर उसने लिप पे किस किया तो क्या करेगा? ओके बाय। अरे बेवकूफ, मुंह से बदबू आ गई तो। बाय। अब क्या? तुमको तो पता है ना, फिर भी। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा तो तुम थैंक्स बोलोगी ना? थैंक्स बोलना है क्या? थोड़ा पास आ जाओ। और थोड़ा पास आओ। कोई नहीं गंगा राजू। हा? फिर से थैंक्स बोलना है क्या? नहीं उतना ही काफी है। ये थैंक्स क्या है जी? वो उससे पूछो, बता देगा। मैं इसे अच्छी तरह से बता दूंगा। ए, इसे कॉलिंग बेल समझाए क्या जो इसे दबा रहा है? क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं भाई। हा? रात में एक रोमांटिक सीन डिस्कस कर रहा था। हाँ हाँ। वो कैसे सीन करना है टेंशन ले रही थी तो मैंने हेल्प कर दी, तभी से वो थैंक यू बोलकर जा ले रही है। वो बात नहीं है भाई, आपकी नाक को क्या हुआ? वो डोर थोड़ा स्पीड से ओपन किया तो नाक पे लग गया और नाक लाल हो गई।
अगर डोर ओपन किया तो दरवाजे के अंदर वाले को लगना चाहिए, तो फिर आपको कैसे लगा भैया? अरे यार, तुझे एक ही बात कितनी बार भी बताऊं लेकिन तुझे समझ में नहीं आएगी। वो क्या है भाई? कुछ नहीं, तू जा अंदर। ओए भैया, अवनी जी आपको बुला रही है। बुला रही है तो जाओ ना, मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? आपको या मुझे? अच्छा सच बताना, मैं तुझे कैसा दिख रहा हूँ? सच बताना कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? बोलो बोलो, मैं पागल लग रहा हूँ क्या? डाउट नहीं है, मेरे साथ जानबूझ के खेल रहा है। बताता हूँ इसे, ये गंगा राजू कौन है। बैठो। कहीं जाना है क्या? क्या बताने के बाद ही बैठोगे? बैठो। कल हमने जो किया ना, उसी का बैलेंस है। बिल्ट अप शॉट बहुत ज्यादा होगा, फुल रजिस्टर करना है, लेकिन इसके लिए कैमरा एंगल्स, वी विल एक्चुअली डायरेक्टली टेक इट, और जो कैमरा एंगल होगा ना वो ऐसे लेंगे ऊपर से, ओके? और जो नेक्स्ट सीन है हम टेक करके देखते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट सीन डिस्कस करेंगे। यस प्रॉप्स। व्हाई प्रॉप्स? व्हाट नॉनसेंस, टाइम क्या हुआ है बोलो? अभी कोई प्रॉप्स लेकर आता है? आर्ट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हो क्या ठीक से तुम? देर से प्रॉप्स लाओगे, शूट कब होगा? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अवनी, हाँ? ये टेक ओके था, डोंट करो। ओके मैडम, प्लीज गो बैक। ठीक है। क्यों मेरी जुबान खराब कर रहे हो? उधर जाओ, जाओ। ओके, टेक्स फाइन, नेक्स्ट। अच्छा बताओ, तुम्हारी स्टोरी है क्या? मेरी स्टोरी? वो ही, यहाँ क्यों आए हो? आई मीन किस काम से आए हो? दरअसल वो, मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आया हूँ मैडम। ओह, जॉब सर्चिंग है क्या? हाँ, वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो वेस्ट फेलो राजू को कैसे जानते हो? एक्चुअली ये गंगा राजू मेरे गांव के हैं, मेरा फ्रेंड प्रणव है ना, राजू उनके भाई हैं, उसने भेजा मुझे। जल्द ही शिफ्ट हो जाऊंगा कहीं। क्यों, किस लिए? एक्चुअली राजू भाई का ट्रांसफर हो गया है तो वो रूम खाली कर देंगे, इसलिए। हाँ, और मैं यहाँ किसी को जानता भी तो नहीं हूँ। किसी को नहीं जानते हो क्या तुम? मैं हूँ ना। मैं तो अभी आपसे मिला हूँ बस। फिर क्या, फ्रेंड को कोई नई जी आओ जी ऐसे बोलते हैं क्या? ठीक है, काम करो, लगेज पूरा शिफ्ट करो। कहाँ पर? मेरे फ्लैट में। आपके फ्लैट में? मैं रहती हूँ यहाँ पर अकेली, अब तुम आ गए हो तो मेरा शेयरिंग, तुम्हारा स्टेइंग, क्या बोलते हो? लोग तो गलत सोचेंगे ना हमारे बारे में। तुम्हारे गांव में शब्द रत्न करम इस नाम की बुक मिलती है क्या? डिक्शनरी रे। हाँ मिलती है, मिलती है। उसमें राइट रॉन्ग का सही मीनिंग पता करके मुझे बताना, ठीक है? वो सी, राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, हमारे लिए जो राइट होगा वो ही राइट है, वो और किसी के लिए रॉन्ग होगा ये सोचकर नहीं करेंगे तो वो और रॉन्ग है। एंड वन मोर थिंग, मुझे देखो, इतनी खूबसूरत लड़की अपने फ्लैट में एक लड़के को बुला रही है तो बहुत गलत है ना? चलो बताओ मुझे, और थोड़ा ऊपर, रॉन्ग है ना बिल्कुल, शिफ्ट हो जाओ। यस, नाउ यू आर माय रूममेट, तो इसके लिए पार्टी तो बनती है ना? हाँ चलिए बाहर चल के बिरयानी लेके आते हैं। सिर्फ बिरयानी? बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले आएंगे। उसके साथ अगर और कुछ हुआ तो डबल ओके। कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ और क्या मतलब हुआ? हाय मेरी किस्मत, स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए साइंटिस्ट जैसा सोचते हैं वैसा सोच रहे हो तुम,
मैं दारू के बारे में बोल रही हूँ। दारू? आप दारू भी पीती हैं क्या? क्या तुम नहीं पीते क्या? बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। फिर ये डिस्कशन ही वेस्ट है, मुंह बंद करके सो जाओ। दारू भी पीती है, एक बार फिर से पूछूं क्या? सुनिए जी, सुनिए, क्या आप सच में दारू पीती हैं? ए, कल क्या सुबह पेपर में निकलवाओगे? नहीं नहीं। फिर क्यों, जाके सो जाओ। ठीक है। ये कहाँ चला गया? इसको भी अभी जाना था क्या? जल्दी बाहर आओ। यहाँ आओ। और थोड़ा बैठो, बैठो। सुनो, ऐसे वर्कआउट नहीं होगा, मैं एक टाइम टेबल बताऊंगी, फॉलो करना। ठीक है। समझ में नहीं आता क्या? सिंपल बताती हूँ, देखो। सुबह सुबह उठकर अगर डाउनलोड नहीं किया तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। सो मॉर्निंग 6 बजे के अंदर तुम्हारा डाउनलोड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वही बेडिंग, ड्रेसिंग सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और घर साफ करना, वॉशिंग, ये सब तुम्हारे अकाउंट में आता है। और कुकिंग वो मैं देख लूंगी, तुम्हारे लिए बनाऊं? हाँ? ये क्या है? बेयर बॉडी में हाँ एक्सपोजिंग कर रहे हो? नहीं, ये सब नॉट परमिटेड। ओके, लेकिन कपड़े पहन के नहा नहीं सकते है ना? अच्छा, होशियार हो तुम। ठीक है, लेकिन पहले जो बोला ना वो सब फॉलो करना। हैप्पीली साथ में मिलकर जाएंगे। क्या बोलते हो?
गई क्या? कहीं देख तो नहीं लिया? अरे बाप रे, ओए यहाँ अब क्या हो गया? अपना पूरा लगेज पैक कर लो। क्यों, क्या हुआ जी? ले जाकर उस कोने में रख दो। अब मैंने कोई गलती कर दी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया आ रहे हैं। भैया? तो शाम 5 बजे तक यहाँ आसपास दिखाई मत देना, ओके? ठीक है। अगर भैया को बता दे तो कुछ होगा क्या? बता सकते हैं, पर ये सही टाइम नहीं है। टाइम? टाइम का क्या मतलब? कुछ बातें टाइम देखकर बतानी होती हैं। हाँ। नहीं तो करेक्ट होने के बाद भी टाइम करेक्ट नहीं हुआ तो रिस्क हो जाती है। अब ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम शाम को कहाँ जा रहे हो? जॉब ट्रायल्स? कहाँ जाऊँ जॉब ट्रायल करने, सब जगह तो देख चुका हूँ, जॉब ही नहीं मिल रही है कहीं। कुछ लोग तो ऑफिस के अंदर भी नहीं जाने देते। पहले तुम भागो यहाँ से। कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। हाय। हाय भैया, कैसी हो? फाइन। एक मिनट भैया। हाँ ओके। अवनी, इज एवरीथिंग फाइन? या फाइन। देखो, हैपेंड इज हैपेंड। भैया प्लीज क्लास मत लेना, मुझे पता है। ओके, सो हाउ इज योर लाइफ? मैं अभी एड्स ट्राई कर रही हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे। ओ अवनी, टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। आर यू हैप्पी? एवरीथिंग इज फाइन, आई विल बी ओके। आर यू श्योर? श्योर। ठीक है, लेकिन एक बात, एवरीडे एक बार मुझे कॉल करोगी? श्योर भैया। डन। आज पूरा दिन तुम्हारा ही काम करेंगे। मुझे जॉब दिलाएंगी क्या? जॉब नहीं दिला पाऊंगी, पर जॉब के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो सिखा दूंगी। ओके? We'll be right back.
आ गई तुम्हारे? इसका मतलब लड़की फंस गई क्या? ऐसा नहीं है, वो आपको ठंड लग रही थी इसलिए मैंने। हाँ क्या, सही है, गेटअप के साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है। ठीक है चलो। कहाँ जाना है? मिडनाइट इडली के लिए। मिडनाइट इडली? ये क्या है? इडली शॉप। वो तो पता है लेकिन इस टाइम पे क्यों? मतलब यहाँ ये मेरा रेगुलर स्पॉट है, लेकिन वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। जाके एक प्लेट इडली लेकर आओ। ठीक है। ऐसे क्यों खा रही हो? बहुत तेज भूख लगी है क्या? नहीं, बहुत टेस्टी है। एक्चुअली यहाँ की इडली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अकेली यहाँ नहीं आ सकती हूँ ना। अब समझ में आया, अकेले नहीं आ सकती थी ना, इसीलिए मुझे बकरा बना करके यहाँ लाई हो, समझ गया मैं। हेलो हेलो, अकेले आने में डर नहीं लगता? बोर हो जाती हूँ। अच्छा एक और बात सुनो मेरी, कंपनी नहीं है इसलिए। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम हो ना, कहीं भी और कभी भी जाएंगे, क्या बोलते हो? सही कहा ना? चलते हो तुम जो साथ में, खुशियां दौड़े नस नस में, रंग लो मुझे अपने ही रंग में, तुमसे मिलकर यूं लागे, तू जो कह दे जा भी ये देवान ले हो साथी मेरे, तू जो हंस दे दिल से कुछ भी कहो, हम है तेरे जान ले हो यारा मेरे, दिल है मेरा तू यारा, तू है मेरा यारा, तू ही रहती है मेरे दिल में यारा यारा, मेरा रहना तू मेरे संग हमेशा। अरे रे रे रे, क्या चेंज है? वो क्या है भैया, अवनी ने मुझे ऐसा बना दिया। क्या रे, किसने बोला? अवनी ने? पहले क्या बोलता था? अवनी जी, और अब बोल रहे हो अवनी, उसके बाद गर्लफ्रेंड, उसके बाद लवर, बोलो बोलो ना, कुछ भी बोलो। कुछ नहीं है भैया। कुछ नहीं मत बोलो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरी तरफ ध्यान से देखो, अवनी मेरी है, याद रखना ये बात। अवनी किसकी है? बोला ना मेरी है, फिर क्यों पूछ रहा है? अवनी, ये तुम्हारे बारे में। बंद करो, अपना काम करो। वो एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था कि ओके, हम बाद में बात करेंगे, आफ्टर सम टाइम, दिस फेलो के बिना, रुको मैं तुझे बताता हूँ। चलो। वो कुछ बोल रहे हैं ना? ठीक है चलो, ऐसे चुपचाप सबकी सुनते मत रहा करो, मेरी बात सुनो, मेरा एक्चुअल ओपिनियन मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? जब पहली बार तुम्हें देखा तब वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन देखते देखते मुझे ऐसा लगा जैसे कि आई एम इन लव विद यू। तो इस बात पर आपका ओपिनियन क्या है ये पूछा जाएगा। मेरा ओपिनियन वो नहीं है इसलिए उसको रोक दिया, तो वो रुक जाएगा। आप ग्रेट हो। हाँ ना, इसलिए फॉलो करो। आप यहाँ क्यों आती हैं? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको बचाने के लिए मैंने एक झूठ बोला है, पर वो झूठ झूठ नहीं होता, वो बस मौका होता है। ये सब क्या बोल रही हैं आप? एक कंपटीशन में 50 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से तुमको क्यों चूज किया जाएगा? वो क्यों? वहाँ 50 लोगों में जो नहीं है वो क्वालिटी तुम्हें होना चाहिए। ऐसा क्या? एक ऐड का काम मिला है, 2 days में ऐड कंप्लीट करने को बोला है। I have everything, I'll do, बोल दिया उनको। लेकिन मेरे पास ना तो कैमरामैन है, ना मैनेजर, ना मॉडल, कोई भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ओके, बैठो।
सारी टीम, आई मीन कैमरामैन, मॉडल, क्रू, सब लोग रेडी हैं। बोला था ना इसलिए तुमको ये ऐड दिया है। एक झूठ, अरे गलत किया क्या मैंने? ठीक है, ऑलरेडी कैमरामैन फिक्स हो गया है, और कौन बचा है? मॉडल चाहिए। कहाँ है रे? कोऑर्डिनेटर के पास जाऊंगी तो बजट बहुत बढ़ जाएगा, क्या करूं? एक बार ट्राई करना चाहिए ना। ओके, स्टूडियो फ्रीज हो गया है, कल सुबह 9 बजे मुझे मॉडल चाहिए, ठीक है? समझ में आया? ओके। One second. मैं कॉल बैक करती हूँ। मॉडल मिल गया, परफेक्ट। ऐसे क्या देख रही हैं आप? कल बताऊंगी। सब्जी तैयार हो गई है, लेकर आओ। कर रही है मैडम? तुमको मॉडल बनाकर ऐड कर रही हूँ। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मुझे पता है, कल किया ना, वो करो बस। हे, यहाँ आओ। जी मैं। मैंने क्या किया? वही कल डांस करके खाना बनाया ना, वही आज बिना डांस करके स्माइल करके करना है। अब ए मेकअप। यस मैम। नहीं तो रूम खाली करो। क्या? हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? ये क्या है? तो करना है तो ऐड करो, नहीं तो ओके, रूम खाली करो। ठीक है ना? ठीक है, मैं करूंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, करो। लेकिन करना क्या होगा? खाना बनाओ। रेडी हो क्या? रेडी मैम। एक्शन। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अरे सुनो, खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने, खा के मजा आ गया। ऐसा लगा क्या मैंने बनाया? ये लड़का भी काफी अच्छा है, फिल्म में ऐसा हीरो काम करेगा क्या? सर एक बार ऑफिस में बुलाओ इसे, बात करते हैं। ओके, ठीक है सर। यस। अगर माँ के हाथ का खाना खाना चाहते हैं तो गणेश मसाला ट्राई करिए। तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा है, ऐड करते ही हीरो का चांस मिल गया। हीरो का चांस? हाँ, तुम्हारा ऐड देखकर हीरो का चांस दे रहे हैं डायरेक्टर साहब। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम नहीं करोगे क्या? ऐसे चांस के लिए लोग वेट कर रहे हैं, पता है क्या? लेकिन मुझे ये एक्टिंग डांस नहीं आता है। एक्टिंग तो ऑलरेडी हो गई है, अब प्रॉब्लम डांस है। मैं सिखाऊंगी ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपके लिए इतना है, लेकिन मेरे लिए तो ओके। डांस के बारे में छोड़ो, और क्या क्या प्रॉब्लम है? वो हीरोइन के क्लोज आना। ओह, वो क्या
उठो उठो। इसके लिए क्या, मैं हूं ना। ओके, सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा वेट करके सिचुएशन देखकर प्रपोज करना चाहिए था ना। प्रपोज तो किया था लेकिन। क्या मतलब यार, मतलब उसने हाँ नहीं बोला? ए बाबा, तू स्वयंवर करेगा तो हजारों लड़कियां क्यों में आएंगी। लाइन क्यों यार, ऑलरेडी अवनी है ना। उसने रिजेक्ट किया ना। हे मतलब उसने आखिर रिजेक्ट किया क्यों, चाहिए क्या ऐसा? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अवनी ओ बाबा। हेलो अवनी। हे कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं तुमको क्यों बताऊं? अवनी बताओ ना कहाँ हो। मैं नहीं बताऊंगी। फ्लैट में हो ना? हाँ, लेकिन तुमको बुलाऊंगी नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। नो, तुम्हारा मत, लेकिन तुमको इतना घमंड है। हेलो हेलो, मना किया था ना यहाँ आना मत। चलो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। मेरे जाने के लिए दरवाजा खोलना होगा। सही ना? मैंने कहा ना, दरवाजा खोलना होगा। हाँ ओके, आओ। चले गए हो ना? चला गया हूँ। फिर आओ। स्टफ कुछ नहीं लेकर आया क्या? तुमने कुछ बताया ही नहीं। एक लड़की दारू पी रही है तो तुमको स्टफ लेकर आना चाहिए ना। तो जाऊँ लेके आ जाऊँ? इतना भी नहीं बता क्या? आओ। ओए, एक काम करो, जाके ऑमलेट बना के लेके आओ। ठीक है। ओए, हाफ बॉयल। हाफ बॉयल रेडी है। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है।
मेरी प्रॉब्लम भी यही है, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं फ्रेश होके आता हूँ। स्विच ऑफ क्यों किया? तुम पागल हो गए हो क्या? यार रात की अभी उतरी नहीं है, ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? वो मेरा पास्ट है। फिर से पास्ट बोल रही हो? पास्ट भूला नहीं जा सकता है क्या? अरे उसके बारे में सोच क्यों रही हो? प्रेजेंट में जियो ना यार। ओके, प्रेजेंट के बारे में बताती हूँ, सुनो। मेरे लिए मैरिज के बाद लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ओके? ये सब छोड़ो, ठीक है? मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं है ना, तो मुझे इस स्टेज तक तुम लाई क्यों? हाँ, मैं तुमको इस स्टेज पर लाई हूँ? सी, तुमने मेहनत की है इसलिए तुम यहाँ तक आए हो। एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं की है, बल्कि तुमने ही मेरी हेल्प की है। क्या चाहिए? डिवोर्स चाहिए ना? सुसाइड करना सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे सही लग रहा है। ऐसी सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो इसलिए तुम्हारी कंपनी, रूममेट के लिए इनवाइट किया था। एज आई फेल्ट यू आर द सेफेस्ट पर्सन टू ट्रैवल विद। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है।
आई लव यू। आखिर ये सब क्या है? सी, तुम्हारे प्रपोज करने के काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा रिजेक्ट करने का एक ही कारण है, तुम मुझे पसंद नहीं हो। सडन वो ठीक है बा। अच्छा सूर्या ने तुम्हें प्रपोज किया या नहीं? आपको कैसे पता? I don't know what to say, but I had to say now. As I know, if not know, I can now. It's I love you. Come to coffee shop. मैसेज देखा था, डिलीट भी किया। सूर्या, तुमको अवनी के बारे में क्या पता है? सी, एक लड़की से अगर सच में प्यार कर रहे हो तो वो दुनिया से कम नहीं होती है, क्योंकि वो लड़की ही दुनिया होती है। इसीलिए ये मेरा प्रिंसिपल है, और यही सोचकर ही अवनी जिससे प्यार करती थी उसके साथ उसकी शादी करवा दी। बट मेरी सोच गलत साबित हुई। अवनी जिससे प्यार करती थी ना, वो बहुत अच्छा पेंटर था, सो उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी पेंटिंग की तरह होगी, उसने ऐसा सोचा था। लेकिन इसीलिए शायद अवनी रुक गई। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई कि उसके रास्ते की रुकावट ये शादी थी, एटसेट्रा। तुम्हारे बारे में बताने के बाद वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया था। मैंने सोचा उसने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी लाइफ सेट करने के लिए तुम्हारे एक्स हस्बैंड से वो मिला था, और वहां पे वो पसंद आया मुझे। अवनी को छोड़कर वो तो ठीक है, लेकिन अपनी अवनी का क्या होगा उसने मुझसे पूछा था। वहां मुझे उसका प्यार सच्चा लगा, तभी मैंने सोच लिया था। सूर्या, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। So, तुमसे अलग होकर उसकी लाइफ इज गोइंग ऑन। व्हाट अबाउट योर्स? यू आर गॉन, यू आर लॉस्ट। एक रॉन्ग डिसीजन जल्दी ले लिया तुमने, और एक राइट डिसीजन लेने के लिए इतना सोच रही हो। फिर क्या यहां हूं अभी, क्या करना है सोच रही थी। तुम मिल गए, लेकिन एक बात तो सच है, लाइफ में मरने की सोचना बहुत बड़ा डिसीजन है। उससे बाहर आने के लिए एक छोटा सा डिस्टरबेंस काफी है। ऐसा चांस मिलकर भी लाइफ में रुकना करेक्ट नहीं है। सूर्या को थैंक्स बोलना। Thank you.
क्या? मैरिज के बाद लाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर क्यों आई? वो पास्ट था ना।